दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार यानी आज सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हैं। मिली जानकारी के अनुसार टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 स्पोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल 1 के बाहर का शेड ढह गया, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई। डीएफएस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंदर सिंह ने भी बताया कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया है। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि टर्मिनल की छत के नीचे फंसकर जान गंवाने वाले लोगों को 20 लाख रुपए और घायलों को 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।